आज मैं बना रही हूँ बेसन का ढोकला, जो गुजरात की एक बहुत ही फेमस डिश है। इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप भी मेरी इस ट्रिक से ढोकला बनाएंगे तो आपका ढोकला भी बिल्कुल परफेक्ट जालीदार और स्पंजी बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। अब एक कोई दूसरा बोल लेंगे और उसमें 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, या जिसको हम टाटरी या नींबू का सत भी बोलते हैं, वो डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक, और 2 पिंच इसमें हम हींग डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पानी के लिए 3/4 कप समथिंग पानी लिया है, जिसमें से मैंने 1/2 कप पानी इसमें ऐड करा है। तो अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे जब तक कि चीनी और सिट्रिक एसिड इसमें डिसॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, पानी का मेज़रमेंट हम उसी बर्तन या उसी कप से करेंगे जिस कप से हमने बेसन ऐड करा था। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी हैं। तो ये देखिए, अब जो बेसन हमने छान के रखा हुआ है, इसमें हम थोड़ी सी फाइनली चॉप करी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ अदरक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें जो ये चीनी और टाटरी का पानी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके अलावा जो ये बचा हुआ पानी है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे, जो मैं पहले डालना भूल गई थी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमें लगातार 3 से 4 मिनट तक फेंटना है, क्योंकि जितना अच्छी तरह आप इसको फेंटेंगे ढोकला, उतना ही अच्छा जालीदार और स्पंजी बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर अभी थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो मैंने ये अब 1/2 कप पानी लिया है, लेकिन इसमें से मैंने उसका 1/2 पानी ही ऐड करा है, और इतना पानी जो है ये बच गया है। तो 1.5 कप बेसन में हमने टोटल 1 कप पानी ऐड करा है। तो ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, इससे आपका ढोकला बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनेगा। इस बैटर को अब हम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम जिस बर्तन में भी ढोकले को स्टीम करना है उसमें 1 से 2 ग्लास पानी ऐड करके उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे, और जिस बर्तन में आप ढोकला बना रहे हो उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। आप चाहें तो किसी बोल में बना सकते हैं, आप चाहें तो थाली में भी ढोकला बना सकते हैं। तो जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तो ये देखिए, पानी बॉईल हो चुका है, और इसमें किसी भी स्टैंड को, अगर आपके पास ऐसा स्टैंड हो तो रख दीजिए, या फिर कोई भी एक छोटी सी कटोरी इसमें रख दीजिए जिसके ऊपर आप ढोकले को रख के स्टीम कर पाएँ। तो इस बेसन के बैटर में हम 1 टीस्पून इनो डालेंगे, या फ्रूट साल्ट जिसको हम बोलते हैं, और इसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को ये ग्रीस करे हुए बोल में, या जिस भी बर्तन में आपको ढोकला बनाना है उसमें हम सारा बैटर इस तरह डाल देंगे, और इसको 25 से 30 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। तो 30 मिनट बाद हम इस ढोकले को चेक करते हैं। तो इसको किसी भी नाइफ से या टूथपिक से इस तरह आप चेक कर लीजिए, अगर ये बिल्कुल क्लीन आती है, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन या गीला सा नहीं है, तो इसका मतलब ढोकला अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए, ढोकले को हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तब तक हम इसका खट्टा मीठा पानी बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में हम 1 से 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, इसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स या राई ऐड करेंगे, थोड़े से करी लीव्स, इसको अच्छे से भून लेंगे, 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी भून लेंगे। अब इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। अब 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून इसमें नमक, और 1 से 2 टीस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे।
अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ढोकले का खट्टा मीठा पानी रेडी है, इसको भी ठंडा होने देंगे। ढोकला भी ठंडा हो चुका है, तो चलिए पहले हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह नाइफ की हेल्प से हम इसको साइड से इसके एजेस को हटा देंगे और इस तरह पलट के ढोकले को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना परफेक्ट जालीदार और स्पॉन्जी ढोकला बनके रेडी हुआ है। और आप इसके मोल्ड को देखिए, ये बिल्कुल भी इसमें चिपका नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट ढोकला है। तो अब हम इसको अपने डिज़ायर शेप में काट लेंगे। आपको जैसा शेप पसंद हो आप उसको काट लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ इसका। तो ये देखिए कितना परफेक्ट जालीदार ढोकला बना है और कितना सॉफ्ट है। अगर हम इसको इस तरह दबाते हैं तो ये अपनी परफेक्ट शेप में आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट ढोकला बना है। अब हम इसके ये रेडी करे हुए पानी को इस पर स्प्रेड कर देंगे और फ्रेश कोकोनट से इसको हम गार्निश करेंगे। तो ये है परफेक्ट जालीदार ढोकला। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।